हमारे चैनल मास्टर की दुनिया, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे थे, बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया, मैं अच्छे थे, बहुत अच्छा हूँ। और मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक स्पेशल जगह घूमने जाने वाला हूँ, तो मैं आज एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ तो सियरस। तो गाइस, सियरस जो है वो साउथ अफ्रीका में जो है यहाँ का मिनी स्विट्ज़रलैंड इसको बोलते हैं, स्विट्ज़रलैंड का टाइटल मिला है इसको। और यहाँ का पूरा कल्चर, मेकिंग, एनवायरनमेंट, डेकोरम पूरा स्विट्ज़रलैंड का है। आप लोगों को मैं व्यूज़ पूरा दिखाने वाला हूँ आगे का। और पहाड़ों पे बर्फ़ भी गिरी है, और अभी आप लोग अगर वक्त मिला तो इंशाल्लाह हम लोग बर्फ़ भी देखने जाएंगे। और बाकी तो फिलहाल मैं सारे आप लोग को दिखाता हूँ, बहुत अच्छा है एक नंबर। अभी तो फिलहाल हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके हैं साइड में यहाँ पे हाईवे के ऊपर, सियरस हाईवे पे। और अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे आर्टिफिशियल आर्टिकल्स यहाँ के मिल रहे हैं, आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ एंटिक पीसेस वगैरह है, बेचने के लिए इन्होंने रखे हैं, सब हैंडमेड है। देखिए शीप है, तो गाइस जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि हम लोग सियरस जा रहे हैं, और ये शॉप हमने रास्ते में देखी थी, तो यहाँ पे जो है एक आंटी हमको मिले और बहुत अच्छे है बेचारे। इनकी एक शॉप है छोटी सी, और बहुत सारा सामान बेचते हैं ये आर्टिफिशियल, और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। तो अभी वो आप लोग को यहाँ का एड्रेस बताएंगे कि कहाँ पे एड्रेस है। तो आप ज़रूर अगर आप कोई भी सियरस को जा रहे रहेंगे तो हाईवे के ऊपर ही इनका शॉप है, ज़रूर विज़िट करना और इनको हेल्प करना, यहाँ की चीज़ें इनकी ख़रीदना, और बहुत अच्छा है और मिजाज में भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज पेपी। सो हर नेम इज पेपी एंड शी इज गोइंग टू टेल यू द एड्रेस ऑफ हर शॉप। हेलो, दिस इज द क्रिएटिव हब बोल्सली, वी आर ऑन द R43, 10 किलोमीटर्स बिफोर सियरस, एंड हियर वी हैव ड्रैगन्स मेड आउट ऑफ recycled materials and dream catchers yay big, so we welcome you all. Okay, thank you so much for giving this information. So guys, if you all are visiting Sierras, 10 kilometers before Sierras, this is the place. Definitely visit this place, support her, and she has a lot of good articles to sell, and definitely you will enjoy buying with her, and she has a very good smile also. Thank you, enjoy, bye bye. तो फाइनली हम लोग गाइस सियरस पहुंच चुके हैं अभी। यू कैन सी द पोल्स जरा रग्बी मैच तुम देख के रुको, हम लोग जब कुछ नो देख के आते आने के बाद मोटर में चीज कर आप तब तक ऑस्ट्रेलिया देखने जाते हो। इज इट लाइक मी, आई वर्क फॉर Amazon फ्रॉम होम, इट्स स्टिल वर्क एब्सोल्यूट। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी मथुरसबर्ग, जो हमारा लोकेशन था, और अभी आप लोग को मैं दिखाऊंगा यहाँ का व्यू, सुपर व्यू है। ये देखो सामने, और पूरे पहाड़ पे देखिए बर्फ़ दिख रही है सामने, पूरी बर्फ़ है, स्नो है, और यहाँ से पूरे गार्डन दिख रहा है।
इस तरीके का कुछ व्यू है यहाँ पे। तो अभी हमारा कुछ प्लानिंग होगा, ऊपर जाना है नहीं जाना है, कैसे जाना है, क्या है, आगे जाके आप लोग को आगे के व्लॉग में बताऊंगा। तब तक आप लोग आगे के मजे लीजिए व्लॉग में। चलो तो फाइनली फिर हमने हल्लू हल्लू चढ़ाई भी स्टार्ट कर दी। और चढ़ते चढ़ते देखिए गाइस, हमें पूरे 2 घंटे लग गए क्योंकि हमने 4x4 हायर की थी वहाँ पे। और फिर चढ़ते चढ़ते हमें लग गए पूरे 2 घंटे। और चारों तरफ जो लोग हैं, पूरी स्नो ही स्नो थी, लोग खेल रहे थे स्नो, और हम लोग माउंटेन के टॉप तक पहुँच चुके थे। और खेलते खेलते इतना मज़ा आया गाइस, लेकिन कुछ लोगों को वहाँ पे जो है ऑक्सीजन लेने का भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम लोग ने सोचा कि ज़्यादा देर रुकते नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोग ने खेला, एंजॉय किया। चारों तरफ देखिए झाड़ों पे भी पूरे स्नो ही स्नो थी। और गाइस फॉरेन कंट्री में आके स्नो का एक्सपीरियंस लेना, इट वॉज रियली अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। और क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी तो मैं वहाँ पर ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया, सेल्फ रिकॉर्डिंग वगैरह, इसकी वजह से मैं जो हूँ मेरा पूरा व्लॉग का वीडियो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ऊपर का सीनरी वगैरह देखिए हम लोग, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे। और देखिए ऊपर से भी लोग घसरते हुए खेल रहे थे, स्लाइडिंग कर रहे थे, कोई लोग ने स्कीज अपने लेकर आए थे साथ में, लेकिन हमारे पास प्रॉपर कपड़े वगैरह नहीं थे। तो हम लोग जो है ठंड की वजह से जो है हम लोग ने सोचा जल्द से जल्द हमें वापस पहुँचना है, इसलिए हम लोग ने वहाँ से निकलने का डिसाइड किया गाइस। आगे का वीडियो में आप लोग को देखने मिलेगा पूरा स्नो, और उसके बाद हम लोग लेने वाले हैं यहाँ से रुखसती। थैंक यू। अनफॉर्चुनेटली गाइज हम लोग ने सनसेट मिस कर दिया है, बट शायद किसी ने वीडियो लिया है टीम में, मैं आप लोग को वीडियो में आपको दिखाऊंगा सनसेट कैसे हुआ यहाँ का, ठीक है। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू विच आई हैव मिस्ड अनफॉर्चुनेटली, बट लेट्स सी।